तीर्थ नगरी ब्रजघाट पर माघ पूर्णिमा के पावन अवसर पर ब्रजघाट गंगा नगरी में देर रात से आस्था की डुबकी लगाने का सिलसिला प्रारंभ हो गया। पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। माघ पूर्णिमा पर गंगा जी में डुबकी लगाने का विशेष महत्व माना जाता है, जिसके मद्देनजर लाखों भक्तों सूर्य उदय होने से पहले ही डुबकी लगाना प्रारंभ कर दिया। पंडित सतपाल शास्त्री ने बताया कि माघ पूर्णिमा पर मोक्षदायिनी माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाने का विशेष धार्मिक महत्व होता है। पूर्णिमा के दिन दान का विशेष महत्व माना जाता है। माघ पूर्णिमा पर स्नान के चलते जाम की स्थिति भी बनी रही। भारत की रफ्तार 24 के लिए मोनू शर्मा के साथ संदीप कुमार की रिपोर्ट। लोगों के लिए प्रसाद बांटने के लिए आते हैं, जैसे हलवा है, पूरी है और सब्जी, खिचड़ी, कढ़ी, फुलका, चावल। तो साल में कितनी दफा आते हैं आप? दो बार आते हैं। आज माघ मास के जो पूरे माघ मास में स्नान करते हैं उनके लिए पूर्णिमा का विशेष स्थान है, और दूसरा आज रविदास जी के प्राकट्य दिवस भी है और बहुत ही पूर्णदायी फलदायी दिवस है। आज के दिन दान करने से, स्नान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो भी दानी सज्जन यहाँ आते हैं, गंगा स्नान करते हैं, प्रसाद दान करते हैं, उनको अच्छे लोग की प्राप्ति होती है। पंडित जी ये बताइए, आज जो पूर्णिमा पे भीड़ है इतनी, इससे पहले भी कभी हुई है ऐसी भीड़? तो बराबर रहती है, लेकिन अब क्योंकि आसमान खुला हुआ है, सूर्य देवता प्रकट हो गए हैं, वो तो मौसम भी थोड़ा सा अच्छा हो गया है, इसलिए स्नानार्थियों की भीड़ काफ़ी हो रखी है।